जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आप में से बहुत से बच्चे पीटीटी की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि आपका सपना है टीचर बनना। तो सबसे पहले तो आपको एक नई इन्फॉर्मेशन ये बताना चाहूँगा भी इसकी फॉर्म भरने की डेट है वो बढ़कर अब 30 अप्रैल है वो हो गई है। तो इसलिए जो टीचर बनना चाहता है, फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए। अब बहुत से प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे भी कितने फॉर्म भरे गए हैं, घर के पास अगर कॉलेज लेना चाहें तो क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कितने मार्क्स हमारे कम से कम इस पेपर के अंदर आ जाए भी हमारे सपने हैं वो पूरे हो जाए। चलिए ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट तथ्यों को लेकर आज के वीडियो सेशन में हम आपसे बात है वो करेंगे। फॉर्म चाहे 4.5 लाख भरे जाए चाहे 5 लाख भरे जाए, एक बात ध्यान रखिएगा, 4 बच्चों में से एक का सिलेक्शन है वो होना है। इसलिए बहुत ज्यादा हार्ड कंपटीशन नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की घबराहट की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको पता है 4 सेशन हैं आपके इस पेपर के अंदर जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, एक ही दिन होगा। चाहे वो 2 साल के बीएड वाले हो चाहे 4 साल के बीएड वाले स्टूडेंट हो, एक ही पेपर आता है। इसमें हिंदी या फिर इंग्लिश, मोस्टली हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो हिंदी लैंग्वेज लेते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका चयन करते हैं। उसमें 50 क्वेश्चन आने हैं और मेंटल एबिलिटी के भी 50 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 50 क्वेश्चन और जीके जनरल नॉलेज के भी 50 क्वेश्चन हैं वो आने हैं। और टोटल जो आपका पेपर है वो 600 नंबर का होता है, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है और किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। कुल मिलाकर सीधी सी बात है, पेपर में सारे के सारे प्रश्न आपको करके ही आने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब बात करें इन 4 सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा आपको किस पर फोकस करना चाहिए, तो वो 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो आपका हिंदी का जो ग्रामर है और दूसरा मेंटल एबिलिटी। इन दोनों को तो आपको मैक्सिमम प्रयास करना है तैयार करने के लिए। दोनों के 50-50 क्वेश्चन आने हैं, अगर आप इन दोनों में से 40+ क्वेश्चन सही कर पाते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता और थोड़े से प्रयास से आप आसानी से इस काम को कर सकते हो। इसके बाद में बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, यानी शिक्षण अभियोग्यता की। एप्टीट्यूड का मतलब होता है विशिष्ट योग्यता। इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको एक तो एजुमोटिव पर कुछ जो वीडियो है वो डाले हुए हैं उनको आप देख सकते हो और साथ में जो प्रीवियस पेपर जो है उनके क्वेश्चन निकाल के देख लो। इसमें एक ही बात का ध्यान रखना होता है, आपको जो भी डिसीजन करना है वो बच्चे के हित में करना होता है और इस सब्जेक्ट से ये डिसाइड किया जाता है भी क्या वास्तव में आप टीचर बनने की एनर्जी है वो रखते हो। और इस पार्ट की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है भी इसमें कोई गलत होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे उसमें से अगर आप सबसे बेस्ट ऑप्शन को चूज करोगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, उससे थोड़ा सा कम चुनोगे तो 2 नंबर, उससे कम तो 1 नंबर और बिल्कुल ही घटिया ऑप्शन चुनोगे तो 0 नंबर है वो मिलता है। और बहुत रेयर चांस होता है भी किसी बच्चे को 1 प्रश्न के लिए 0 अंक मिले, 3 या 2 नंबर अक्सर है वो बच्चा प्राप्त कर लेता है अगर प्रीवियस पेपर भी आपका पढ़ा हुआ है तो। उसके बाद बात आती है जीके की। अब जीके नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा है लेकिन आपको यहां घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब जीके में मोस्टली पीटीटी में क्या पूछा जाता है, इंडिया जीके पूछा जाता है, करंट जीके और राजस्थान जीके और जनरल साइंस और इन्वायरमेंट है वो पूछा जाता है। अब बात करें इंडिया जीके के अंतर्गत तो आप इंडिया की जो हिस्ट्री है, इंडिया की जो पॉलिटी है, इंडिया की जो ज्योग्राफी है उनके मेन मेन फैक्ट है वो पढ़ने हैं। जैसे इंडिया हिस्ट्री की बात करूं तो आप मेन बातें हड़प्पा सभ्यता की पढ़ लें, मौर्य के अंदर आप अशोक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, आप जैन और बौद्ध धर्म की बेसिक नॉलेज आप रख लें, आप आर्य समाज और ब्रह्म समाज की स्थापना के संबंध में थोड़ी सी बातें ध्यान में रख लें और स्वतंत्रता संग्राम के अंदर महात्मा गांधी वाला जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा तैयार कर लें और
या इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो मेन में नदियां, अभयारण्य और वनस्पति के बारे में आप पढ़ सकते हो। पॉलिटी, संविधान के बारे में बात करें तो संविधान का निर्माण, मौलिक अधिकार, जो राष्ट्रीय दल हैं आप उनके बारे में थोड़ा सा देख लें, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की पावर है वो देख लें, इतना सा कर लें। अब इसके अंदर क्या होता है इंडिया वाले पोर्शन में, कई बार तो सिर्फ इंडिया हिस्ट्री के ही 8-10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार होता है ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो 8-10 पूछ लिए जाते हैं, कई बार पॉलिटी के 8-10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इन तीनों का मोटा मोटा आइडिया यही है भी लगभग 18 से 20-22 क्वेश्चन आपको इंडिया जीके के मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात, यहां पर आपको डीप नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर की सरफेस फैक्ट बातें जो अक्सर हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं उन फैक्ट को आपको देखना है। एक हेल्प बुक यहां पर मैं आपको सुझा सकता हूं, आपने सुना है एक ल्यूसेंट की जीके की बुक आती है, उसके अंदर छोटे छोटे अक्षरों में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है होती है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है भी उस डिटेल ल्यूसेंट को हम पढ़ सके। लेकिन ल्यूसेंट की एक एमसीक्यू की बुक आती है ऑब्जेक्टिव की, आप उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक के जो एबएस हद दिए गए हैं उनको 2-3 बार रिवाइज है वो कर सकते हो, और बहुत से क्वेश्चन आपको पीटीटी के अंदर मिल भी जाएंगे। अब बात आती है करंट जीके की, तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है वो आपको करंट जीके के मिलते हैं। अब करंट जीके में बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है, मेन चीज कौन सी मेन चीज हो सकती है, एक तो लेटेस्ट में कहीं भारत के अंदर इलेक्शन हुए हैं तो उन पर फोकस करना है भी किस पार्टी को कितनी सीट मिली, कौन वहां का सीएम है वो बना, और प्रमुख कोई संगठन है तो उनका कोई अध्यक्ष या उसका मुख्यालय क्या है उसको आप देख सकते हो, प्रमुख कोई खेल है ओलंपिक हो गया, अपना क्रिकेट हो गया, अभी आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल के बारे में आप थोड़ा सा देख सकते हो, पुरस्कार के बारे में आपको पढ़ना है जिसमें पद्म हो गया, ऑस्कर पुरस्कार हो गया या नोबेल पुरस्कार हो गया, उनके बारे में आप मेन तथ्य है वो देख लीजिए। प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ना है भी, यानी सीधी सी बात करूं भी मंत्रिमंडल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और एक बात वही आगे भी प्रमुख कोई इंस्टीट्यूट है तो उसका चीफ कौन है ये आपको ध्यान में हो, प्रमुख कोई अभियान अगर किसी सरकार ने चलाया है चाहे वो सैन्य अभियान हो या अन्य कोई अभियान हो तो उनको आपको देखना है, और कुछ फेमस लेटेस्ट की जो राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की कोई योजना है तो उनको देखना है, यानी डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। हाँ, राजस्थान जीके की बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। अब आपको पता है राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वो आर्ट और कल्चर है वो बहुत विस्तृत है, इतना टाइम अभी आपके पास नहीं है पीटीटी के लिए, और 15 से 20 क्वेश्चन इस पार्ट में से आने की संभावना रहती है। मैं यहां पर आपको सलाह दूंगा, आप अगर बुक सेलर के पास जाएंगे ना बाजार में तो आपको पुराने जो एग्जाम हुए हैं राजस्थान में उनके है ना वन लाइनर क्वेश्चन की एक किताब मिल जाएगी, छोटी सी कोई 70-80 रुपए की आपको मिल जाएगी, जिसका नाम होता है सार संग्रह, बस आप उसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। और जनरल साइंस की बात करूं तो 5 से 7 क्वेश्चन हैं वो इसके अंदर आने होते हैं, इन्वायरमेंट के भी आ सकते हैं, तो अब बहुत बड़ा है जनरल साइंस। तो अगर आप, अब बात ये आती है भी तो क्या हम उतना पढ़ें, अब देखिए टाइम कम है तो मैं कहूंगा एक सलाह है, आपके पास समय है और आपको लगता है मैं कर सकता हूं तो कीजिए भी, आप चाहे जनरल साइंस मत पढ़िए, प्रीवियस क्लासेस में आपका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, राजस्थान को डिटेल में पीटीटी के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पुराने पेपर्स हैं ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उन्हीं को पढ़ लीजिए बस, 15-20 क्वेश्चन आएंगे, 5-7 तो कर ही दोगे और करने सारे ही हैं, तुक्के भी तो मारोगे और हो सकता है 5-7-10 तुक्के वैसे ही लग जाएं। आपको फोकस करना है जीके में करंट और इंडिया की जो ज्योग्राफी और पॉलिटी है उसके ऊपर फोकस करना है। 50 में से अगर आप 20 क्वेश्चन भी सही कर देते हो, 25 क्वेश्चन भी सही कर देते हो तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मानी जाएगी। इन सबका अगर आप जोड़ करके देखोगे भी, जैसे हिंदी के अगर आप 50 में से 40 क्वेश्चन कर दो और मेंटल एबिलिटी में आप 40 कर दो तो कितने हो गए, 80 हो गए, और 50 में से आप मेंटल एबिलिटी के आराम से इजीली 40 या 45 क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हो। इन दोनों में करने का मतलब ये है भी आप लगभग 130 अंक है वो इसमें प्राप्त कर सकते हो, और जीके के 20 क्वेश्चन कर ले तो 80 और 20 यानी 100, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है तो ये हो गए 300,
और मेंटल एबिलिटी के बाद और हिंदी और जीके के बाद टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो मैंने कहा 130 नंबर इजीली आप प्राप्त कर सकते हो। तो इनको जोड़ें तो कितना हो गया, 430 मार्क्स हो गया, आपका इच्छित कॉलेज मिल जाएगा आपको। न्यूनतम आप अगर सोचें भी कम से कम कितने आए भी मुझे पीटीटी के अंदर कॉलेज मिल जाए, तो 400 का जो स्कोर है या 400 प्लस का जो स्कोर है वो आपके लिए अच्छा है। और यही स्कोर अगर आपका 440 450 प्लस है तो आपके घर के पास ही आपको कॉलेज है वो मिल जाएगा। बस आपकी एक स्ट्रेटजी ऐसी हो भी मुझे किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। आप देख पा रहे हो अगर जीके बहुत विस्तृत है उतने के साथ माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, सिलेक्टेड चीज पढ़नी है जहां से क्वेश्चन है वो एग्जाम में उठ सकता है। फोकस तो आपको हिंदी व्याकरण और मेंटल एबिलिटी पर ज्यादा करना है, इसका अभ्यास आपको दिन में सबसे ज्यादा बार करना है तो इजीली आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प है वो मिल जाएगी। फिर मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।